ये धक्का वाला आदमी अंदर व्यूअर्स, हमारे कौम की एक काबिले फ़ख्र बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये कैलीग्राफी आर्ट भी आप देख रहे हैं। कैलीग्राफी आर्ट पूरी दुनिया में किया जाता है, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन हमें चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमें इस काम में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब इस कैलीग्राफी आर्ट में हमारी कौम की ये बेटियाँ अल्लाह पाक के नाम, अल्लाह के रसूल के नाम, कुरान पाक की आयात लिखती हैं। तो ये एक प्यारी सी हमारी बेटी भी आज हमारे साथ मौजूद है जिसकी मैंने पेंटिंग और इसकी ओपनिंग आपको दिखाई है। अमारा जी, अमारा हमारी बेटी मौजूद है, तो अमारा सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये आप कब से कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम की इस अंदाज में मैं बचपन से ही लिखती थी, लेकिन कभी इसको मैंने सीरियसली नहीं लिया था। स्टडीज़ पर ही फोकस था। स्टडीज़ के बाद फिर जो है वो मैंने कहा कि मैंने कुरान, घर वालों से बात की कि मैंने कुरान पाक लिखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये सिलसिला जारी हुआ। अब तक जो है वो 4 से 5 साल का अर्सा हो चुका है मुझे ये काम करते हुए। माशाल्लाह। तो आपको ये बताएं कि वालदैन की तरफ से इसमें सपोर्ट मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा कर रहा हूँ है कि मेरे वालदैन ने ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि जिस जिस जगह पर मुझे जिस चीज़ की भी जरूरत पेश आई, बढ़ चढ़ कर उसमें जो है वो मुझे ताकत किया। अच्छा बेटा, एक आपसे अच्छा सा मैसेज भी हम लेंगे। टिकटॉक बनाने की बजाय, स्नैपचैट करने की बजाय, यंग बच्चियां, हर इंसान को शोहरत चाहिए होती है, तो उस शोहरत के लिए कुछ बच्चियां इन रास्तों पर भी चली जाती हैं। आप मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो, आप हमारी बेटी हो, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप कि ऐसे अच्छे काम से भी अल्लाह इज्जत देता है? बेशक, हमारी कामयाबी का रास्ता वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है 1400 साल पहले, और जो तमाम अंबिया कराम हमें बताते आए हैं अजल से ही कि असल कामयाबी अल्लाह को राजी करना है। तो पहले चूँकि मैं काम अपनी हद तक करती थी, तो लेकिन मैंने इसको आम जितना पब्लिक के सामने इसलिए डिस्प्ले करना शुरू किया ताकि आज की जो जनरेशन है जो इस्लाम से दूर होती जा रही है और दूसरे कामों में अपना वक्त सर्फ करिए, तो उनको बताऊँ कि अगर कामयाबी आप लेना चाहते हो तो आप कुरान के साथ जुड़ो। ये जो दूसरे रास्ते हैं वो कामयाबी के नहीं, वो वक्ती तौर पर आपको शोहरत मिल जाएगी लेकिन उस ना से सुकून मिल सकता है ना वो असली कामयाबी का रास्ता है। तो इसी सिलसिले में कुरान पाक का जो ये मिशन है लेकर मैं ना सिर्फ खुद करती हूँ बल्कि मैंने
3000 से ज्यादा खवातीन को जो है वो खताती अल्हम्दुलिल्लाह सिखा चुकी हैं, और कई 80 खवातीन हैं जो अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक लिख चुकी हैं। माशाल्लाह बेटा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है। ये जो आप बना रही हैं, ये इसको कॉमन वर्ड्स में हम पेंटिंग कहते हैं, और इसमें हम ये चाहते हैं क्योंकि ये अल्लाह पाक के जिक्र से भरपूर ये वर्क है आपका, अल्लाह के नबी के, तो उसकी कास्ट तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, तो कोई हदियतन आपसे लेना चाहे, हदिया कराना चाहे, तो क्या आप इसको देती हैं, और अगर देती हैं तो कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे, आपसे लेना चाहे तो कहाँ से? पहले मैं काम जो है वो सेल नहीं करती थी बिल्कुल भी, जो भी काम करती थी मैं अल्लाह की रजा के लिए अपनी हद तक रखती थी कि जहाँ मेरा दिल किया मैं इसको हदिया कर देती थी मसाजिद में। लेकिन यहाँ मुझे बहुत से साथ इकरामी थी तो जो है कहा कि आप अपनी मेहनत का भी कुछ इसमें से हदिया लिया करो, तो डेफिनेटली अब मैं काम जो है वो अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मेरा न्यूर कलम अकेडमी के नाम से पेज है, तो उस पर कॉन्टेक्ट करूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ऑडियो सही नहीं आई तो नूरुल कलम अकेडमी इस्लामाबाद में ही है, ये ऑनलाइन पेज है फेसबुक का, फेसबुक पेज ही ऑनलाइन पेज है नूरुल कलम अकेडमी, आप इसको सर्च करें, और जो भी अपने घर में अल्लाह पाक के इन खूबसूरत नामों की, कुरान पाक की आयात की ये पेंटिंग कैलीग्राफी आर्ट, बेसिकली ये हाथ से बनी हुई है, खींची हुई तस्वीर नहीं है या कंप्यूटर पे बनी हुई नहीं है, तो जो इस कीमती तोहफे को अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बरकत के लिए भी रखना चाहता है, तो हमारी बेटी हमारा से आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हदिया इस बेटी को हमने ज़रूर देना होता है, ताकि ये मेहनत कर रही है तो इसका अल्लाह भी राज़ी हो, हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो, तो यहाँ हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।